अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस कुछ ही समय से प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल मेजिंग क्वांट ब्लॉग में। तो बस यार, अभी टाइम हो गया है, 11 बज गई है, हमारे जाने की तैयारी हो गई, मतलब रात के 11 बज रहा है और सामान वगैरह हमारा सब पैक हो गया है। ये देख रहे हो यहाँ पे 12 बजे तक हमको वहाँ पहुँचना है, तो 11:30 तो बजी गई है। तो अब चलते हैं और फिर मिलेंगे आपको सीधा रेलवे स्टेशन पे। और ठंडा मुझे इतना हो रहा है ना भाई साहब, ऐसा दांत बज रहे मेरे को यार। रात की ट्रेन कभी नहीं होनी चाहिए, गर्मियों में तो चल जाता है पर ठंडियों में ना बहुत दिक्कत होती है। तो फिर मिलेंगे आपको रेलवे स्टेशन पे, ठीक है? तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन और यहाँ पे कोहरा देखना भाई साहब, क्या फॉगी फॉग हो रखा है चारों तरफ। ये देखना पूरा ऐसे मौसम हो रखा है यहाँ का। क्या बोल रहा, ये देखना, ओए भाई साहब, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा। दोस्तों अभी पहुंच गए हम रेलवे स्टेशन और पता है यहाँ पे ट्रेन कितने देर रुकेगी? सिर्फ 5 मिनट रुकेगी। 5 मिनट में ट्रेन में बैठ गए तो बैठ गए, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। अनु क्या कर रहा है? तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं ट्रेन में और अभी चलेगी। किट्टू क्या झटके लग रहे हैं? दो पर आ चुकी है। वेलकम टू मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सबको, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। और अभी हम पहुंच गए हैं, बताओ कहाँ पहुंचे हैं? हम पहुंचे हैं मथुरा। और वैसे हमको जाना था अयोध्या जाना था, पर वहाँ के लिए अभी ना ट्रेन बंद है, तो इस वजह से हम ना मथुरा आ गए, क्योंकि वहाँ के लिए 15 तारीख का ट्रेन बंद है। तो इस वजह से कितना बज रहा है, 6 बज रहा है और अभी जाके हम पहुँचे हैं। ये ट्रेन जो जा रही है कोटा जा रही है, इसी में हम आए थे। तो ये वाली ट्रेन जा रही है अभी कोटा। और अभी पता अंधेरा हो रखा, सामान वगैरह सारा बंद रखा है इधर देखना। तो इसके बाद जाएंगे सीधा रूम पे, फिर मिलेंगे आपको सीधा उधर ही, ठीक है? मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है। यात्री गाड़ी कृपया ध्यान दें, अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस कुछ ही समय से प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। उत्तराखंड। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं रूम पे, मतलब 8 बजे सुबह ट्रेन जो ट्रेन का टाइम था ना वो सुबह 7 बजे का दे रखा था। तो अभी जब हम पहुंचे हैं 8 बजे, क्योंकि थोड़ा होटल भी इतने महंगे हैं ना यहाँ पे भाई साहब, 2-3 हज़ार के होटल हैं मतलब एक नाइट का। तो बस अभी आ गए हैं, हाथ मुँह धोते हैं, शक्ल में तो 12 बजी हुई है, कल से जो पिठाई लगी थी ना वो अभी निकली भी नहीं है। तो अभी आगे है चाय और पराठे खाते हैं और हाथ मुँह धो के थोड़ा नहाऊंगी, थोड़ा हाथ मुँह धो के फिर जाएंगे उधर मंदिर जाएंगे, तो फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे। हमको जाना था अयोध्या, पर वहाँ के लिए ना आजकल बहुत मतलब वो हो रखा, ट्रेन नहीं जा रही है वहाँ। 15 तारीख तक सब कुछ बंद कर रखा है क्योंकि भीड़ इतनी है ना, क्योंकि 22 तारीख को वहाँ मंदिर का जो उद्घाटन होना है उस वजह से।
तो वहाँ पे जाना थोड़ा रिस्की था, मतलब रिस्की क्या है, ट्रेन नहीं जा रही है वहाँ पे, तो बस में तो बहुत लंबा सफ़र हो जाता। और हमने कहा अभी जाके भी क्या ही फ़ायदा, क्योंकि मंदिर ने ओपन होना नहीं है, मंदिर तो 22 तारीख को ओपन होगा, तो वहाँ जाने भी नहीं देंगे, तो फिर वहाँ दर्शन भी नहीं कर पाएंगे, तो बाद में चले जाएंगे। तो इसलिए हम मथुरा आ गए, तो बस कृष्ण जी ने बुलाया होगा तो यहाँ आ गए। तो फिर अभी थोड़ा हाथ मुँह धो के नाश्ता वगैरह करते हैं, तो फिर मिलूँगी मैं आपको, ठीक है। हाथ धो के एकदम से रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं मंदिर, और आज हम रुके हैं मथुरा में, कल दूसरे मंदिर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेन वो होता है ना, अलग अलग रूट होता है, मतलब मथुरा के लिए अलग और वहाँ के लिए अलग, मतलब अलग अलग रूट होता है, अभी मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं भी फर्स्ट बार आ रही हूँ। तो जो भी चीज़ें होगी आप लोगों को बताऊँगी, सब एक्सप्लोर करूँगी, जो जो चीज़ें मुझे पता होगी तो वो आप लोगों को बताऊँगी। तो बस अभी रेडी हो गए हैं, और अभी मैंने ना स्वेटर नहीं पहना है, जैकेट नहीं पहना है, ऐसे शॉल रखा है, नीचे से जैगिंग डाली है, और मैंने सूट लाया था वैसे पहनने के लिए ना, तो बाहर इतना कोहरा लगा है कि सूट पहनने की हिम्मत नहीं हो रही अभी, तो मैंने सोचा चलो ऐसे शॉल वगैरह कुछ ऐसे रख लेंगे, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, मैंने कहा फिर ना भी रखी हूँ फिर फीवर हो जाएगा, तो उससे अच्छा ऐसा रिस्क नहीं लेती हूँ। तो अभी तैयार होकर चल रहे हैं, फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। दोस्तों अभी हम करने वाले हैं यमुना मैया की परिक्रमा। बेटो इधर से आ जाओ, यहाँ पर बैठो, अरे बीच में मत बैठो, वहाँ पे ठंडा लग रहा। तो ये जो हमारी परिक्रमा होगी ना, 7 किलोमीटर की वो राउंड होगी, पूरा इधर घूम के आएंगे ना चारों राउंड। और हम इसलिए पहले यहाँ आए क्योंकि अभी पता क्या, मंदिर बंद है, मतलब 12 बजे से मंदिर बंद रहता है 4 बजे तक। तो फिर उस तब तक हमने सोचा इस खाली टाइम में थोड़ा यमुना मैया की परिक्रमा करके आते हैं। तो अभी पूरा इधर दिखाना थोड़ा सा। तो यहाँ पे बैठे हैं झिंकुआर जी, और यहाँ पे बैठो अन्नू, बैठो इधर देखो, चाय टोपी नहीं रखी ना। पानी में डालना है आपको, बाहर की तरफ। अरे इनको भी डाल दो, बोट में डाल दो, बोट में डाल दो आगे, हाँ अपने आप खा जाएंगे। उधर 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 उधर, अरे नीचे डाल, नीचे नीचे आओ, अरे आओ आओ, थोड़ी कर दे थोड़ी कर दे, अरे भाई डाल दे, अरे पूरा डाल दे, पूरा डाल दे, पूरा डाल दे, डालना और करो, अरे ऊपर देखो, बेटे ऊपर देखो, आओ पानी में डाल देना, भरा जाएगा। अरे ये वाला है मामा कंस का किला, ये मामा कंस का किला बोलते हैं, कृष्ण भगवान के मामा का किला है ये। अच्छा, जो मामा कंस का घर है, जो झील है यहाँ से, वो आपका 1.5 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ भगवान का जन्म हुआ था, यहाँ से टोकरी में लेके भगवान को गोकुल लेके गए थे नदी पार करके। अच्छा, देखा ना, उसको बोला जाता है रानी घाट, यहाँ पे मामा कंस की पत्नी स्नान करने आती थी, तो उसके नाम से पड़ा रानी घाट। और जो बाजू वाला देख रही हो ना जस्ट बराबर में जो गोले गोले बने हुए हैं, उसको बोलते हैं गोपी घाट, या गोपियाँ स्नान करती थी, रानी का घाट अलग था और गोपियों का घाट अलग था। और जो जस्ट बराबर में आप देख रही हो ना, ये जो बोट लगी हुई है, जन्मभूमि यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर पड़ती है, ये सीधा रास्ता जन्मभूमि के लिए जाता है, कहीं नहीं मुड़ना, एकदम सीधा यहीं से भगवान को वासुदेव जी टोकला में लेके, जो नदी क्रॉस करके गोकुल लेके गए हैं कि नहीं, वो इधर से ही आए थे। और सामने जो बाइट वाला गेट देख रहे हो उधर, वो गाड़ी आ रही है बाइट वाली, उसके पीछे देखो बाइट बाइट झाड़ियों में गेट दिख रहा है, वो तुम्हारा गोकुल गेट है, ये वासुदेव घाट है, यहाँ से लेके और उधर नदी क्रॉस करके लेके गए थे। देखो गोकुल यहाँ से 12 किलोमीटर पड़ता है इधर की तरफ, लेकिन उसमें ये है भगवान ने, आप आगे जाओगे 12 किलोमीटर डैम से, वहाँ से भी नदी पार करनी पड़ेगी और यहाँ से भी पार करनी पड़ेगी। तो वासुदेव भगवान ने यहीं से नदी क्रॉस करके लेके गए। बोलो वासुदेव भगवान की जय। और ये सामने देख रहे हो, ये पहले मस्जिद थी, हाँ अभी मंदिर है, इसमें भोलेनाथ जी और हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, संत घाट बोलते साधु लोगों ने बनाया, जिसको नागा बाबा बोलते नहीं, उन्होंने बनाया ये संत घाट। तो ये साधुओं का है, इनके नाम से बड़ा बड़ी मस्जिद को मंदिर बना दिया, तो इसका नाम है अभी प्रेजेंट में संत घाट।
तो दोस्तों अभी हम बैठ के हैं बस में और वृंदावन के लिए दर्शन करने के लिए जा रहे हैं बस में। निधिवन में दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं बाकी बिहारी के दर्शन करने के लिए। ये देखना पूरा क्या माहौल है। बड़ा प्रसाद चप्पल जी के राधे बोलो।